हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने बालों के जो स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होता है उससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आधी नींबू और कोकोनट ऑयल। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं उसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ये वाला ऑयल यूज़ करें, एवन नेचुरल्स, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये 7 ऑयल्स है, इसलिए बहुत सारे काम एक साथ एक ही ऑयल में आपको मिल जाते हैं। हर एक फायदे इस ऑयल में आप देख सकते हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे। आपको इस बोल में ऑयल लेना पड़ेगा। पहले आप देख सकते हैं मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है। टू टी स्पून ऑयल के साथ हम आधी आधी नींबू का रस मिला देंगे। ठीक से इस रस को ऑयल में डाल के इसे मेल्ट करना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्लोली। कुछ लोग ऐसे भी है जो सिर्फ नींबू का रस स्कैल्प पे लगाते हैं डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए, पर ये तरीका गलत है, क्योंकि नींबू में जो एसिड टाइप्स केमिकल होते हैं उससे आपके बालों की जो जड़ होती है वो पतली हो जाती है, उसके बाद बाल गिरने लगते हैं। इसलिए नींबू का रस डायरेक्ट आप अपने बालों पे ना लगाएं, ऐसे ऑयल के साथ मेल्ट करके लगाएं तो अच्छा भी है और आपके बालों को हम भी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो बालों का स्कैल्प होता है इसमें ज़्यादातर ऐसे घिसने से आपको दिखाई देगा, इसमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ पड़ा हुआ होता है। कुछ डैंड्रफ हमें दिखाई भी नहीं देता, धूल की तरह बालों में दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमने जो तेल बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्कैल्प पे मसाज करना है। ऐसे स्कैल्प पे मसाज करना होता है। पूरे स्कैल्प पे लगाने के बाद हम अच्छे से मेल्ट करना होता है पूरे बालों पे। बालों को हर तरफ से अगर आप ऐसे मेल्ट करेंगे और इसे लगाने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसे धो सकते हैं। ऐसे अगर आप हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो आप खुद देख सकेंगे कि आपके स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होते हैं वो सब कितना ज़्यादा कम हो जाएगा और बालों का गिरना भी कम हो जाएगा। इससे आपको एक हेल्दी और अच्छी बाल मिलेगी। तो ये सब देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय।